नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कैशलेस इलाज की सुविधा उन्हें अब मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगले 100 कार्य दिवसों में इस दिशा में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो चार मिनट हम लोग इस पर बात करेंगे। कैशलेस हेल्थ स्कीम के तहत प्रदेश में अन्य जो कर्मचारी हैं उन्हें पहले से ही जोड़ा गया है। शिक्षक जो अभी छूटे हुए थे अब उन्हें जोड़ा जाएगा। लगभग 6.5 लाख जो परिषदी शिक्षक हैं, आज आपने देखा मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया। अखबारों में भी और अन्य कई माध्यमों से भी आपको जानकारी मिली होगी। इसमें आपको आवेदन करना होगा। सरकार के द्वारा एक कार्ड बनाया जा सकता है। इसमें सरकार को निर्धारित करती है कि इतने अमाउंट तक आपका फ्री इलाज होगा, ना केवल आपका बल्कि आपके परिवार के सदस्यों का भी, यानी आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का या आपके माँ बाप का। और जो अभी है वो 5 लाख तक का फ्री सुविधा का लाभ मिलता है, और जो अन्य कर्मचारी हैं। और अगर अब इसमें शिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा तो उन्हें अब उसमें भी यही चीज़ होने वाला है। तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका होगा। इसमें आपको बिल जो, मतलब आप कहीं पर मान लीजिए आपके घर का कोई अगर दवा मतलब लेता है, ट्रीटमेंट लेता है, तो उसको बिल कैश में नहीं देना होगा, बल्कि राज्य सरकार के द्वारा कार्ड बनवाया जाएगा, आपको दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और उसी कार्ड के थ्रू आप जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो सरकार के द्वारा रिकग्नाइज किए जाएंगे वहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं आप एक पर, मतलब आप स्वतंत्र रहेंगे, आप जहाँ पर आपको बेहतर लगे कि यहाँ पर आप मेरा बेहतर इलाज हो जाएगा वहाँ पर आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, और अब इस कार्ड को आप ले लेंगे तो अब आप, मतलब ये है कि इसमें सरकार भी कुछ अपना देगी और कुछ बीमा कंपनी के इंश्योरेंस टाइप का होता है और जिसका राज्य सरकार से करार होता है। और ये आपको तभी मिलेगा जब इसके लिए आप पंजीकरण कराएं, यानी कि हो सकता है कि आपका आवेदन हो आगे। और जो भी इस सुविधा का लाभ लेने वाले कर्मचारी हैं या पेंशनर जो भी हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद फिर आवेदन करने के बाद सरकार के द्वारा इशू किया जाएगा। ठीक है, स्टेट हेल्थ कार्ड एक होता है, उसको जब वो आपको इशू हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो भी अस्पताल सरकार, मैंने आपको पहले बताया कि रिकग्नाइज होंगे, उसके थ्रू आपको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ठीक है, मेडिकल बिल उसके बाद, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मेडिकल बिल वगैरह आपकी बिलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसा नहीं है, अब आप ये मत सोचिएगा कि किसी एक दो जगह पर ही इलाज आपका हो। जो भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री के थ्रू जो संबंध निजी अस्पताल हैं वहाँ पर भी आपके इलाज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एक मतलब अच्छी बात है। और इसमें ये नहीं है कि कोई सामान्य सा रोग, मतलब हर प्रकार का रोग, गंभीर रोग का भी इलाज संभव है। ठीक है, चाहे किडनी की कोई बीमारी आपको है, लीवर की बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी है, ट्रांसप्लांट या घुटना संबंधित कोई भी समस्या है, तो गंभीर बीमारी का भी इलाज यहाँ पर होगा। और सरकारी वित्त पोषित जो अस्पताल हैं उसमें भी जो भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपकी सुविधाएं होंगी। तो ये कहने का मतलब बहुत ही बढ़िया योजना सरकार अब कवर कर रही है बेसिक शिक्षकों को, इसमें अच्छी बात है। और जल्द से जल्द ये लागू हो जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी, उनको सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका, उससे वे लाभान्वित हो सके। बाकी इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें टारगेट विद हिमांशु। धन्यवाद।